नमस्कार, स्पोर्ट्स की बात में आप सभी का स्वागत है। न्यूजीलैंड की वुमन टीम बनी नई T20 वर्ल्ड चैंपियन। फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जिस मैच को न्यूजीलैंड ने जीतकर उन्होंने अपना पहला T20 खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 158 रन बनाए। उनकी कप्तान सुजी बेट्स ने 32 रनों का योगदान दिया। एमिलिया केर ने आती सी 43 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मलाबा को 2 विकेट मिले तो खाका ने एक सफलता निकाली। कप्तान लूरा वलवाट ने साउथ अफ्रीका की ओर से 33 रन बनाए तो तजिमन ब्रिश ने 17 रनों का योगदान दिया और साउथ अफ्रीकी टीम 126 रन ही बना सकी और यह मुकाबला न्यूजीलैंड ने 32 रन से जीत लिया। साउथ अफ्रीका का ये एक और निराशाजनक प्रदर्शन रहा। फाइनल मुकाबले में मेंस टीम ने भी अपना T20 का फाइनल इस साल 2024 में इंडिया के खिलाफ ही हारा था और अब न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को एक और निराशा उनकी झोली में डाल दी है। जी हाँ, इस मैच में एमिलिया केर को शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वह वर्ल्ड कप की हाईएस्ट विकेट टेकर भी रही। एमिलिया केर ने 15 विकेट लिए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में और उन्होंने फाइनल में भी 3 विकेट लिए और शानदार 43 रनों की इनिंग खेली और अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई एमिलिया केर ने। एमिलिया केर के इस परफॉर्मेंस को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। न्यूजीलैंड की ओर से उनकी गेंदबाज रोमे श्यामारिया मायर ने भी शानदार गेंदबाजी की और 25 रन देकर 3 विकेट झटके और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर से निराशा मिली।